नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों से वापस मिलके बहुत खुशी हो रही है। और आइए हम जानते हैं आज के कार्यक्रम में क्या खास है। तो आज का ये वीडियो आने वाले नए महीने के बारे में होगा, जनवरी 2022 के बारे में। आइए जानते हैं एक एक करके कि जनवरी 2022 का ये महीना हम सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए बात करती हूँ राशियों के क्रम में। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मिथुन राशि जेमिनी तो कैसा रहने वाला है ये नए साल का नया महीना। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इस महीने कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो पूरे साल का हाईलाइट रहेगा। तो करियर में अगर आप हैं, नौकरी पेशा हैं, तो यहाँ पे आपको हालांकि मिश्रित परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो बिजनेसमैन बिजनेस वुमन के लिए काफ़ी बेहतर समय की शुरुआत हो रही है। आप बहुत अधिक लाभ उठाते हुए दिख रहे हैं, बिजनेस में तरक्की करते हुए दिख रहे हैं। और अपने देखिए, नौकरी पेशा वाले जातकों के बारे में मैं बात कर रही थी, तो वहाँ पे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, डेडलाइन को मीट करने के लिए आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये महीने के मध्य आते आते, मिडिल ऑफ द मंथ आते आते, आपको ग्रहों का मूवमेंट इस तरह का रहेगा कि आपको नौकरी में कुछ मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी सी आपको नौकरी में असंतुष्टि का एहसास होगा। और हालांकि इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका मैनेजमेंट पदोन्नति देने की सोच रहा है और आपको प्रमोट करने की सोच रहा है। इसके अलावा व्यापार से जुड़े जातकों को इस महीने, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलने के आसार हैं, और जिससे आप व्यापार में विस्तार के साथ साथ समाज के कई बड़े लोगों के संपर्क में आते हुए दिख रहे हैं। आप समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति के ना सिर्फ संपर्क में आते हुए दिख रहे हैं, बल्कि उनके सपोर्ट से, उनके हेल्प से आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पार्टनरशिप और व्यापार, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, साझेदारी में आप अपना कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे आसार दिख रहे हैं। पार्टनरशिप आपका मजबूत होता हुआ दिख रहा है और आप अपने पार्टनर से बहुत अच्छे संबंध स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। मिथुन राशि वाले छात्रों की बात करूं तो देखिए, वैसे जातक जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जिन्होंने कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रखी थी, तो निसंदेह जनवरी का महीना उनके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षा में पास होते हुए, उत्तीर्ण होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर भी आप बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अनुकूल परिणामों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले इच्छुक जातकों को ये जो जनवरी का महीना है, निसंदेह सफलता देता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं, तो देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ी सी वाद विवाद की स्थिति देख रही हूँ। मैं आपको थोड़ी सी चुनौतियों से घिरा हुआ दिख रही हूँ। और यहाँ इस माह में देखिए, घर के किसी सदस्य के साथ आप बहसबाजी में मत पड़िएगा, छोटों को माफ़ कर दीजिएगा और बड़ों से माफ़ी मांग लीजिएगा। आपकी माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है आपके लिए, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। आप अपने पिताजी से अपने संबंध को बेहतर बनाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि घर में आप एक धार्मिक अनुष्ठान को करते हुए दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स और सुझावों का इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत खुशी भी होती है। अगर मैं प्रेम संबंधों की बात करूं, प्रेमी युगल की बात करूं, तो देखिए, ये महीना आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आया है। और हालांकि आपकी लव लाइफ मुझे बहुत उम्दा दिख रही है, बहुत रॉकिंग दिख रही है, और इस दौरान आप अपने प्रेमी का भरपूर सहयोग प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने प्रेमी से विवाह करने का निर्णय ले सकते हैं। एक दूसरे के प्रेम में आप बिल्कुल आकंठ डूबे हुए दिख रहे हैं
और अगर आप सिंगल थे, आप अपने योग्य प्रेमी या जीवन साथी की तलाश में थे, तो वो भी हो सकता है जनवरी का महीना आपके लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात दे दे। आप अपने प्रेमी से खुलकर अपने मन की बात कह सकते हैं और आपका प्रेमी इस महीने लिसनिंग मोड में रहेगा, आपको समझने और आपको प्रसन्न रखने का प्रयास करेगा। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो आपको संतान के योग, तो आपको बहुत अच्छा संतान प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो मंगल ग्रह की ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तू-तू मैं-मैं, तकरार और मतभेद की स्थिति देख रही हूँ। आप छोटी मोटी बातों पर भी झगड़ते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे से, तो इस तरह की स्थिति से आप बचिएगा। और अगर मैं आपके फाइनेंशियल लाइफ की बात करूं, आर्थिक पक्ष की बात करूं, तो देखिए, इस महीने के शुरुआत में आपकी आय कम और व्यय अधिक दिख रही है, आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं। इस महीने आप अपनी आमदनी को देखिए, जब जैसे जैसे महीना प्रोग्रेस करता जाएगा और आप थर्ड और फोर्थ वीक में पहुंच जाएंगे, तो वहां पर आपकी आमदनी अचानक से बढ़ती हुई दिख रही है। और देखिए, नौकरी पेशा जातकों की तुलना में व्यापारी वर्ग के जातकों की मैं आमदनी को ज़्यादा बढ़ते हुए देख रही हूँ, उनके लिए लाभ के अधिक योग बनते हुए देख रही हूँ। लेकिन देखिए, आप किसी भी तरह के, मैं आपको एक ज्योतिषीय सलाह दूंगी कि आप किसी भी तरह का उधारी से बचें, किसी भी तरह के लेन देन से, रुपये पैसों के लेन देन से बचें, और ऋण और कर्ज लेने की खास तौर पर मैं आपको मनाही कर रही हूँ इस महीने। और अगर मैं आपके हेल्थ की भी बात करूं, तो देखिए, आपके छठे भाव में इस महीने, देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से आपके छठे भाव में मंगल और केतु हैं, सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र हैं, तथा अष्टम भाव में शनि के साथ बुध देव हैं। तो इस तरह की स्थिति आपको, देखिए, षष्टम और अष्टम की स्थिति ऐसी है कि आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ी सी गिरावट देखने को हो सकती है। तो आप अपने खान पान का ज़्यादा ध्यान रखिए और लिक्विड डाइट पे आप रहिए, आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए तो आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर मैं देख रही हूँ कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए एक शुभ समय की शुरुआत है और नए साल का नया महीना एक ऐसे आपके लिए एक हार्बिंजर बन के आ रहा है, जो आपको आने वाले पूरे वर्ष का ओवरव्यू देगा और आपका मन खुशियों से भरा हुआ रहेगा, जीवन में गति बनी रहेगी और प्रेम बना रहेगा। इससे ज़्यादा एक भरपूर जीवन का आप आनंद उठाते हुए दिख रहे हैं। तो इसके साथ मैं इस कार्यक्रम में बस इतना ही, अब चलती हूँ, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।